वो CDS 2024 के सेकंड पेपर का, जो सेकंड पेपर होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं पी क्यू आर, और यहाँ पे 90 डिग्री। अब क्या बोला गया, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बेस हमारा क्यू आर हो जाएगा। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस ऑफ अ द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 4/3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज 4/3, 4/3 इंटू पी, हाइट ये हो जाती है। ठीक है, अब क्या बोला गया, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 54। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे को पता है कि एरिया कितना गिवेन है, एरिया गिवेन है 54, 2 वहां पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बेस इंटू हाइट ऐसे निकल जाएगा, तो ये 108 आ जाएगा और बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसका बेस कितना है, बेस है अपना, मैंने बेस को मैंने बी लिख लिया और एच को मैंने हाइट के बदले मैंने पी लिख दिया है। ये अपनी हाइट है और ये अपनी बेस है। अब मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि 108 तो ये लिख दिया, जहां पे बी लिखा है बी के बदले मैं 4/3 पी लिख सकता हूँ और ये इंटू पी आ गया। तो 108 इंटू 3/4 इज इक्वल टू पी इंटू पी, पी स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा। 4 2 जा ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 7 जा 28। तो मेरा कितना आ रहा है, 27 इंटू 3, जो कितना होता है 81 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, नेगेटिव आ नहीं सकता क्योंकि हाइट कभी भी परपेंडिकुलर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपका कितना आ चुका है, 9। अब पी की वैल्यू आ चुकी है तो ये आपका बी भी निकाल सकते हो इसमें यूज करके, 4/3 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो ये आपका आ जाएगा 12 और ये आपका हाइपोटेन्यूज 15 आ जाएगा। ये मैंने कैसे निकाला, हमारा एक राइट एंगल होता है 3 4 5, इसको किससे, 3 का 9 बन रहे, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, पेरीमीटर, दैट इज 9 9 प्लस 12 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 9 जो हो जाएगा आपका 36। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।